हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। आज हम आपके स्टार्ट करने जा रहे हैं PGDCA DCA वालों की PC पैकेज क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर पे हम कैसे कैसे कंप्यूटर को वर्क करते हैं, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर पे जो भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं उनके सब एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दूंगा। आपका जो सब्जेक्ट है ना, उसमें पूरा कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं PC पैकेज में। हम जैसे ही कोई कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, PC को ओपन करते हैं, हमारे सामने मॉनिटर पे जो शो होता है, मॉनिटर पे जो स्क्रीन पे दिखाई देता है ना, उसे बोलते हैं हम डेस्कटॉप। जैसे हम मोबाइल वगैरह लिया, मोबाइल को हम ओपन करते हैं, जिससे मेन स्क्रीन बोलते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर के मेन स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हम कोई भी फाइल वगैरह रख सकते हैं, यदि हमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहा तो हम उसको भी रख सकते हैं। डेस्कटॉप पे क्या क्या शो होता है, डेस्कटॉप पे शो होता है एक तो रिसाइकल व्यू शो होता है, और नीचे अपना होता है अपना स्टार्ट मेन्यू होता है। स्टार्ट मेन्यू इसमें होता है टास्क बार। टास्क बार में आकर हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन सॉफ्टवेयर इसमें ओपन है। जैसे टास्क बार में हमको नेटवर्क दिखाई देता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिखाई देते हैं, जो डेट टाइम डाली जाती है वो दिखाई देती है टास्क बार में। इसके बाद बात करते हैं हम, मैं आपको कंप्यूटर सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से। ऐसे स्टूडेंट जिनको कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज नहीं है, जो कंप्यूटर में वन टू ABCD कुछ भी नहीं जानते, जैसे कि बात करते हैं कि मैंने आपसे बोल दिया आपका एडमिशन फर्स्ट क्लास में है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको मुझे कोई बुक वगैरह पढ़ना सिखाना है, तो आप क्या करें, डायरेक्ट बुक पढ़ लें कि नहीं पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना, आपको पहले छोटा बड़ा सीखना पड़ेंगे। ऐसा ही कंप्यूटर में रहता है। हो सकता है बहुत से स्टूडेंटों को कंप्यूटर के बारे में बहुत सी नॉलेज हो या कंप्यूटर के बारे में बहुत सी जानकारी हो, इसलिए मैं आपको कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी दूंगा ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। कुछ स्टूडेंटों को बिल्कुल कंप्यूटर माउस पकड़ने तक नहीं आता, तो हम उसके लिए स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, स्टार्टिंग हम पेंटिंग से करते हैं। जो पेंटिंग से हम क्या कर सकते हैं, माउस को पकड़ना सीख सकते हैं। कुछ स्टूडेंटों को माउस पकड़ना नहीं आता, माउस पकड़ ले सकते हैं। पेंटिंग से हम किसी भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, या कोई फूल वगैरह बना सकते हैं, फोटो को एडिट कर सकते हैं, कलर साइज चेंज कर सकते हैं, या वर्ड कट कॉपी कर सकते हैं। हम कट कॉपी क्यों करते हैं, यदि मान लीजिए हमने पेंटिंग पर कोई चीज़ लिखी और हमें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना है, तो हम उसको करते हैं कट करते हैं। जिस बात में आपको एक दो वीडियो बाद जो अपना MS Word स्टार्ट होगा ना, उस पर आपको बताऊंगा इसके ऑप्शन के उपयोग। जैसे हम इसको पेंटिंग ओपन करते हैं, हमारे सामने जो मेन स्क्रीन पर शो होता है पेंटिंग ओपन करते हैं, उसे बोलते हैं सबसे ऊपर लिखा है टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, अपने जो हम फाइल बनाई है, फाइल को जो नाम दे रहे हैं वो आता है अपना टाइटल बार में आता है। अगला आता है इसमें मेन्यू बार। मेन्यू बार में ऑप्शन आते हैं इसमें फाइल, होम और व्यू। इनमें हम मेन्यू बार के बाद हम जो ओपन करते हैं उनमें आते हैं अपने टूल बार। टूल बार में कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉरन प्रिंटर करना, कलर करना, साइज बढ़ाना, ये सारे अपने कहाँ आते हैं, टूल बार में। तो मैं आपको जीरो से स्टार्ट कराऊंगा। जीरो से मान लीजिए पहले अपना टाइटल बार क्या होता है, इसका मेन्यू बार, मेन्यू बार अपना फर्स्ट आता है। आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, नोट में अपन लिखेंगे पेंटिंग क्या होती है। आज का आज अपनी पहली क्लास में सर मैं आपको पढ़ाऊंगा पेंटिंग क्या होती है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कंट्रोल पैनल क्या होते हैं। नहीं, कंट्रोल पैनल तो वो हुए जैसे अपने कोई मोबाइल चलाया, आजकल सब लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, जनरली भाषा में आजकल सबके पास मोबाइल है, सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल का उपयोग करते हैं। ऐसा ही कंप्यूटर होता है, जैसे हम कंप्यूटर की जैसे मोबाइल में सेटिंग होती है, मोबाइल में कोई प्रोग्राम वगैरह बनाना, एप्स वगैरह बनाना, ऐसे हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, डेट टाइम चेंज करना, कलर करना, वॉलपेपर चेंज करना, जिस सारी कंप्यूटर की सेटिंग चेंज की जाती है वो गाय में आती है कंट्रोल बार में, कंट्रोल पैनल में। तो वो कंट्रोल पैनल में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद आपको फोल्डर वगैरह बनाना, ये सब कंट्रोल पैनल से रहता है। इसके बाद मैं आपको MS Word बताऊँगा। MS Word जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के करीब आता है, जैसे आपको PGDCA DCA वालों के फर्स्ट सेम में पूरा ऑफिस वर्क दिया रहता है, जो आप बेसिकली सीख सकते हैं। आजकल आपने कंप्यूटर बेसिक भी सीखते हैं ना, तो इसमें आपको MS Word में MS Word, MS Excel, PowerPoint, MS Access ये सब पढ़ाया जाता है। आपकी फर्स्ट सेम वालों की, PGDCA वालों के कितने सब्जेक्ट हैं, PGDCA वालों के 4 सब्जेक्ट हैं। एक तो अपना PC पैकेज है, फंडामेंट है, और MS Access, और अगला आता है मल्टीमीडिया। DCA वालों के 3 सब्जेक्ट हैं, PC पैकेज, फंडामेंटल और एक और MS Access, ठीक है। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको PC पैकेज में कंप्यूटर का नॉलेज, इसमें क्या क्या आएगा, अपना MS Word आएगा, PowerPoint आएगा, MS Excel आएगा,
नोट पैड आएगा, वर्ड पैड आएगा, ये सारे ऑफिस वर्क आएंगे जो मैं आपको एक एक करके रेगुलर करके अलग अलग दिन न्यू न्यू वीडियो बना के आपको एक करके बताता जाऊँगा। और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए वो आप बकायदा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, या फिर आप मेरा नंबर लिख लीजिए, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉलेज नंबर पर कॉल करके हमें संपर्क कर सकते हैं कि हमें ये डाउट है, ये चीज़ नहीं आ रही क्लियर, तो मैं आपको वो डाउट क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल्स अगली वीडियो में दूंगा। अभी जो मैं आपको बात कर रहा था अभी पेंटिंग पर, तो पेंटिंग होता क्या है, पेंटिंग में हम कोई भी फोटो वगैरह एडिट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई पिक्चर है उसका साइज छोटा करना है, साइज बढ़ाना है, या फिर उसमें कलर करना है, या उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रखना है, इस तरह काम का करते हैं पेंटिंग में। कोई प्रिंट पेज करना है, या कोई भी अपने को हेडिंग वगैरह चेंज करना है, या कलर वगैरह करना है, ये सारे काम काट के आते हैं पेंटिंग में। पहले हम आते हैं, जैसे हम पेंटिंग ओपन करेंगे, पेंटिंग हमको दिखेगा, जैसे हम कंप्यूटर में नए हैं तो पेंटिंग ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम को ओपन करेंगे, ओपन करते ही हमारे सामने जो मैंने स्क्रीन दिखाई देगी उसको मैंने बताया था डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप के बाद हम जाते हैं स्टार्ट मेन्यू पर, जो कंप्यूटर के राइट साइड पर है। स्टार्ट मेन्यू पर जाने पर वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट का, तो हम उसको ऐसे ओपन करते हैं ना, तो हमारे सामने पेंटिंग वाला ऑप्शन खुल जाता है। उसमें एक वाइट पेज ओपन रहता है ब्लैंक का, उसके ऊपर रहता है टाइटल बार, टाइटल बार के बाद होता है मेन्यू बार जिसमें फाइल होम रिजल्ट लिखा रहता है, उसके बाद आते हैं टूल बार। सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊंगा फाइल मेन्यू होता क्या है। फाइल मेन्यू में ऑप्शन आता है अपने पास, पहले ओपन का आएगा, हमने कोई फाइल बनाई है और उसको सेव कर दी, उसे बाद में ओपन करना है तो हम फाइल मेन्यू पर जाके ओपन कर सकते हैं। अगली आते हैं हमारे पास न्यू पेज, हम कोई पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं और हमें नया पेज चाहिए, तो हम न्यू पे क्लिक कर देंगे तो ब्लैंक न्यू पेज हमारे सामने आ जाएगा। अगला आता है हमें फाइल को सेव करने के लिए, यदि हमने कोई पेंटिंग तैयार की है उसे बनाई है तो हम उसको सेव कैसे करेंगे। फाइल मेन्यू पे जाएंगे, फाइल मेन्यू पे सेव वाले ऑप्शन पे जाके हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं। अब उस फाइल को सेव कब करना है, या तो वी ड्राइव में करना है या सी ड्राइव में करना है, उस तरह से हम उसको जाके सेव कर सकते हैं। ठीक है, अपने नाम से सेव कर लो, किसी नाम से। अगली हम आते हैं सेवस पे, सेवस का उपयोग क्यों करते हैं। सेवस में हम एक फाइल को कई बार अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है प्रिंट, जो हमने प्रिंट आउट जो हमने प्रिंट बनाई है, पेंटिंग बनाई है, उसका प्रिंट व्यू कैसे निकलेगा, उसका प्रिंट आउट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, इसका क्या मिलता है हमको फाइल मेन्यू में। इसके बाद हम बात करते हैं, हमें होम पेज पे आते हैं, होम में हमारे पास क्या कट टॉपिक आएंगे, वो भी हमें कोई चीज़ कट करना है या कॉपी करना है। मान लीजिए मैंने एक जगह पे मैंने यहाँ पे कोई नाम लिखा है, यहाँ पे लिख दिया CIIT कॉलेज, इसमें देख रहे मान लो मैंने CIIT कॉलेज लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यदि मुझे इस लाइन को उठा और क्या रखना, नीचे की तरफ ले जाना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद हमें करना है कट, कट ऑप्शन वहाँ पे लिखा होता है पेंटिंग ऑप्शन पे, ऐसे आप सिस्टम ओपन करेंगे ना आपको दिखाई देगा, तो कट करने के बाद वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। हमें यदि इसको दूसरी जगह रखना है तो क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको अगली वीडियो में इनके सारे शॉर्टकट की लिखवा दूंगा, ए से लेके जेड तक के, तो आपको ऑफिस वर्क करने में इनकी दिक्कत नहीं रहेगी कि किस ऑप्शन से क्या होता है। तो कट कर लिया, कट करने पर वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी और उसे उठा के दूसरी जगह रखना है, तो पहले हम उसको आइकन को वहाँ पर लेकर आएंगे, इसके बाद हम वहाँ पर कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने पर जैसे हमने CIIT ऊपर लिखा है और उसको उठा के दूसरी जगह रखना है, तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने पर करना है कट करना है, उसमें कर देंगे पेस्ट। इसके बाद अगला आता है कॉपी का, यदि हमने कोई भी चीज़ लिखा है, यदि हमने CIIT लिखा है तो हमें उसे कॉपी करेंगे। कॉपी में क्या होता है, वो एक जगह बनी रहे वैसी और उसको दूसरी जगह बनाना, ये चीज़ यहाँ पर लिखा है CIIT ये भी हटे और इसको दूसरी जगह लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इसको कॉपी कर देंगे, कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने पर वो चीज़ वैसे वैसे लिखी रहेगी और दूसरी बन जाएगी। अगला हम इसमें कलर भी कर सकते हैं, पेंसिल से कुछ भी लिख भी सकते हैं पेंटिंग पे जाके, या पूरे वर्ड को कलर करना है वर्ड को कलर कर सकते हैं, जो हमें टाइटल लिखा है टाइटल को कलर करना है कलर कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन डालना हो डिजाइन डाल सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आप पेंटिंग ओपन करके कर सकते हैं। ठीक है, और इस फाइल को हम सेव भी कर सकते हैं, हम जाते हैं फाइल सेव पर, फाइल सेव कर सकते हैं। अगला आता है अपना व्यू का ऑप्शन, इसमें हम प्रिंट व्यू, जो हमने पेंटिंग बनाई है वो कैसे दिख रही है वो देखने के लिए, या इसको जूम इन जूम आउट करना है तो वो अपन प्रिंट वैल्यू पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में आपको पेंटिंग बताया है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ये सारा अपन ऑप्शन पढ़ेंगे कंट्रोल पैनल में।
ठीक है स्टूडेंट, अगली वीडियो में मिलते हैं। आप लोग जो पेंटिंग वाला अपना करके देखना, यदि आपको कोई डाउट हो या कर नहीं सक पाते हो तो आप बकायदा कमेंट्स बॉक्स में आके हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ओके भाई स्टूडेंट, थैंक यू।